कौन है क्या है ये इशू है क्या? अरे वो फैसला है ये बात शांत बाबू जी मजे हो कोई घर है कोई मर गया है तो पहले भी मरेना को बहुत फायदा की कोई बात बनाएगी पंचायत में तो पहले बार देखिए तो मधु गंदे की फिर देखिए गए अरे फिर देखिए गई पंचायत की देखी के मायने एक की कोई की जेल बोली पड़ी है क्योंकि मदद करवा के बजाय लड़ाई तीसरी करेगी तो बाप कौन है? अरे वो तो आगे का मामला हो गया चला जाएगा कहां चला जाएगा कहां जा रहे अभी 51 आदमी की कमेटी बनेगी उस तो 20-21 सदस्य होंगे वो उम्र दराज होंगे और 30 सदस्य युवा होंगे ये फैसला करे और उसके बाद में आगे का बिगुल बजाने का फैसला करेंगे आधे घंटे में उनका फैसला आ जाता है अपना फैसला भी आ जाता है ये पहले 11 आदमी थे वो सारे के सारे खड़े हों और बाकी इसके अंदर वही जमीन ये मसाल जुले से निकलेगा मौन जुले से निकलेगा प्रदर्शन होगा घेराव होगा घेराव होगा ये किस तरीके से हम जिस भी तरीके से आंदोलन किया जाए भूख हड़ताल होगी आमरण अनशन होगा इस आंदोलन का पुतले जलाए जाएंगे सब यात्राएं निकलेंगी ये इस आंदोलन किस तरफ जाएगा वो बैठ के कमेटी तय करेगी काउंट होगी हमें आंदोलन इस लड़ाई को किस तरीके से लेकिन अब बात होगी तो यहां नहीं होगी अब सड़क पर होगी और सड़क पर होगी और आज तो वार्ता इस लड़ाई को दूसरे रूप में लेके हजार दो हजार 5,000 पुलिस आएगी इतने आदमी होंगे जेल भरो आंदोलन चलेगा ये किस तरीके से आंदोलन चलेगा इसका फैसला ये 51 आदमी की कमेटी कि हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस प्रशासन ने गंदा खेल किया किसका बाप कहां से लेके आ गए किसको सर्टिफिकेट दे दिया किस किस का बाप छाटने का फैसला हम थोड़ी करेंगे किसकी शक्ल किसमें मिलती है बहुत से विवाद है जिस जिस की शक्ल मिलेगी उसकी जमाबंदी में नाम दे देगा क्या जिसकी शक्ल जिसमें मिल गई उसकी जमाबंदी में उसका नाम दिला देगा क्या प्रशासन फैसले जाने क्या ये मामला भी 51 आदमी कमेटी ये फैसला करे तो प्रमुख साहब आपकी 11 आदमी को आप एक बार ले देखा रात देखा है इसके अंदर आज तक किसी भी जगह जब किसी पीड़ित को न्याय देने का मामला आया उसकी मदद करने का मामला आया एक सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि कुछ भी हो राजनीति अपनी जगह रहेगी कांग्रेस है चाहे बीजेपी है चाहे आप है चाहे आप है बाप है कुछ भी है सबसे पहले फैसले पीड़ित को मदद की जाए ये दृष्टिकोण रहा है ये दृष्टिकोण रहना भी चाहिए जनप्रतिनिधियों का तो इसके लिए अभी 51 आदमी की टीम जचार जाना है मोजा बुलाना ये बात करे मोजा बुलेगा हम सोचते यार मूड ही नहीं था ठीक है बस डी फ्रीज आ गया तो अभी फैसला कर लेना बच्चे का आर्थिक शरीर डी फ्रीज के अंदर रखो अभी फैसला करते हैं कि शाम तक थाने का घेराव किया जाए या कलेक्टर को घेरा जाए या इनके अधिकारियों को बंदी बनाया जाए जो भी किया जाए किया जाएगा क्या जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर या कोई भी किसी चीज से डरने वाला नहीं है बात तो बता